देखिए, मैं एक चीज आज आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी। अन्य देशों की अपेक्षा अगर आप भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि मौत का आंकड़ा 109 पहुंचा है, हम मानते हैं कि 4000 तक ये आंकड़े पहुंच गए हैं जो बेहद डराने वाले हैं, लेकिन इस बीच हम इस बीमारी से जंग जीत भी रहे हैं, चूंकि ज्यादातर लोग ठीक भी हो रहे हैं, 250 से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हुए हैं। इस बीच आपको ये अहमियत समझनी होगी कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको लेकर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मदद मांग रहे हैं। भारत में जो एंटी मलेरिया की जो दवा है, ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्वीन, उसकी मांग की है ट्रंप ने। मोदी से फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री से, और उसके बाद उन्होंने ये डिमांड की कि ये दवा हमें दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकती है। हालांकि अभी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन के असरदार होने का अभी कोई दावा किया गया है या ऐसा कुछ रिजल्ट सामने आया है, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ये दवा गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो इसे गेम चेंजर बता चुके हैं। और यही एक ऐसा रीजन है कि इस दवा की जो मांग बढ़ रही है अन्य देशों में, उस मांग को देखते हुए, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को भी देखते हुए, इसके निर्यात पर बैन लगा दिया है सरकार ने। यानी हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवा है, इसके निर्यात पर बैन है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि ये दवा कोरोना से लड़ने में एक अहम भूमिका निभा रही है। अभिषेक में मुझसे पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा मैम 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलेगा, आई थिंक, जो हम देख पा रहे हैं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात का ऐलान भी किया है। बट हाँ, ये हो सकता है कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो एक साथ, तो कुछ तय होगा, कुछ मापदंड तय किए जाएंगे, उसके आधार पर होगा। राजकुमार दीक्षित बोल रहे हैं, सीतापुर में आज लक्ष्मी जी 8 जमाती पॉजिटिव मिले हैं, ये चिंता का विषय है इस बार, बोलिए। निश्चित तौर पर जो जमाती पॉजिटिव सामने आ रहे हैं वो एक बड़ा आंकड़ा है। राजस्थान में भी लगभग 40 प्लस जमाती हैं जो पॉजिटिव आए हैं। तो हम कोरोना पर निश्चित तौर पर, अगर ये तस्वीर सामने नहीं आती, तबलीगी जमात की जो तस्वीर हमने देखी है जिससे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर ये तस्वीर सामने नहीं आती तो काफी हद तक हम कोरोना पर अब तक ब्रेक लगा चुके होते। दुनिया भर में ये जो मैं बात कर रही थी आपसे हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा की, दुनिया भर में जब से ये कोरोना का संकट आया है, इस दवा की जो डिमांड है, जो इसका आयात है, वो बढ़ गया है। आप भी एक बार इस पर रिसर्च करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, ये दवा कैसे बनती है। ये दवा सिंकोना पेड़ से बनती है और सदियों से मलेरिया के इलाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब मलेरिया होता था तो इसका इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सालों पुरानी और दूसरी दवाइयों के मुकाबले मलेरिया की ये सस्ती दवा कोरोना जैसी महामारी का समाधान कर सकती है? क्या इस बीमारी का समाधान हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बिना किसी मेडिकल पुष्टि के इसका इस्तेमाल खतरनाक साबित नहीं होगा? क्योंकि कोई पुष्टि तो अब तक नहीं हुई है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कई लोगों के मन में होंगे कि इसके जवाब मिलने चाहिए। संजय कामत मेरे साथ हैं, रामकिशन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर के बम्बोर गांव में सरकारी सुविधा की कमी है। जोधपुर के बम्बोर गांव में क्या सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जरा कंफर्म करिएगा। मेडिकल सीकर जिले की रिपोर्ट। मोती राम जी कह रहे हैं शादी समारोह कर सकते हैं क्या 14 के बाद? देखिए, ये कोशिश तो हमें ये करनी है कि अभी हम जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, क्योंकि ये कोई सिर्फ आदेश के रूप में हमको नहीं लेना है, ये हमें जिम्मेदारी के रूप में लेना है। मुन्नी राम जी हमारे साथ हैं, बीकानेर को एक जमाती ने बर्बाद कर दिया, जमातियों की संख्या में निश्चित तौर पर इजाफा हो रहा है। और देखिए, कोटा जहां पर कोई भी पॉजिटिव अब तक मरीज सामने नहीं आया था, कोटा में भी एक मरीज सामने आया जहां कल उसकी डेथ हो जाती है, और जो रिपोर्ट परसों उसकी डेथ हो जाती है, कल जो रिपोर्ट आती है वो कोरोना पॉजिटिव आती है। अब उसके चलते हालात ये बने हैं कि जो उनके घर के 31 जो मेंबर हैं उनको भी इस वक्त संदिग्धता में लेते हुए जांच के लिए भेजा गया है।
क्योंकि पहले पुष्टि इसलिए नहीं हुई कि उनको फीवर था, नॉर्मल उल्टी दस्त हो रहे थे, उनको एडमिट किया गया, उनकी डेथ हुई, लेकिन जब रिपोर्ट कोरोना की आई तो वो पॉजिटिव आई है। जोधपुर के हालात सच में बहुत ज़्यादा है, वहाँ के भी आंकड़े चौधरी सुरेंद्र बोल रहे हैं, हमारी बात भी सुनिए मैडम जी, नागौर ज़िले में भी मिला है ना कोरोना का व्यक्ति, और एसडी गांव में बिल्कुल लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। किस गांव की बात कर रहे हैं आप, कोशिश करिए कि आप भी मदद करें पुलिस की, अगर ऐसा जहां भी आपको ऐसी तस्वीर लगती है कि नहीं यहां पर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, कोशिश करिए कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, लोगों को जागरूक करें कि आपको घर में रहना है। जयपुर में लॉकडाउन खत्म होने के आसार हैं ऐसा अभी तक, चूंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अकेले राजधानी की हम बात कर रहे हैं। राजकुमार दीक्षित कह रहे हैं ग्रेट में अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपके लाइव से जागरूक होते हैं, बहुत शुक्रिया राजकुमार दीक्षित। कोशिश यही रहती है कि अगर एक व्यक्ति पर भी असर होता है तो वो एक व्यक्ति जागरूक होगा तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने परिवार के चार लोगों की तो जान बचा ही सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग अपना सहयोग करें। करण पूछ रहे हैं 14 अप्रैल तक हालात सुधरते तो नहीं लग रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन हटेगा? लॉकडाउन अभी बढ़ाने का देखिए कोई ऐसा, मैंने मेरे साथ कई लोग जुड़े भी थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, जब मैंने कुछ चूज किए तो उस पर कई लोग जुड़े हैं, परिवहन मंत्री भी जुड़े, तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि क्या ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम लोगों के जहन में ये सवाल था। तो उन्होंने यही कहा कि अभी ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ हालात पर डिपेंड करता है, अगर लोग पूर्ण रूप से इसी लॉकडाउन का समर्थन करें, सहयोग करें, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इस पर काबू पाया जाए और आगे बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। मेरी बात, मैं जो दवाई को लेकर मैं बोल रही थी कि जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवा है उसको लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एंटी मलेरिया ड्रग को कोरोना वायरस से ज्यादा गंभीर मामलों में प्रिवेंटिव मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो दवा है जिसकी आउट ऑफ कंट्री बाकी देश भी इतनी डिमांड कर रहे हैं और वो दवा हमारे पास है जिसके निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है, तो जाहिर है कि हम बहुत अच्छी फाइट इससे कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि हम सहयोग करना चाहिए हम सबको। क्लोरोक्वीन का जो मैं जिक्र कर रही हूँ उसकी एक विशेष जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूंगी कि 1934 के बाद बेयर नाम की फार्मा कंपनी जिसने बनाया था, और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जब मलेरिया को रोकने के लिए इसका व्यापक इस्तेमाल हुआ था तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आए थे, और आज भी इस दवा की इतनी डिमांड हो रही है। तो आप लोग भी जरा इस पर रिसर्च करिए, पढ़िए, कोशिश करिए कि आप लोग भी इसके बारे में जानें, समझें, जागरूक हों, आपको भी समझ आए क्या है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है आपके पास। बीकानेर में, बीकानेर से क्या खबर है? बीकानेर में भी लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। मनु जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज उपाध्याय, नाइस, थैंक यू। मेघा सा, मैडम जी चूरू से क्या हाल है? चूरू में भी 2 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सुन रहे हैं कि ट्रेन संचालन होगा, इससे कोरोना बढ़ेगा, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। रिजर्वेशन पर भी अभी मंथन चल रहा है कि रिजर्वेशन ओपन होंगे, कब से होंगे, क्या होगा, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। मुकेश शर्मा, मैडम दौसा की हालत रहेंगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिन में देखिए, अभी तक प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो जो रिपोर्ट्स बाकी आना है, अभी जो लाइब्रेरी में हैं, जिनको अभी वापस आना है, जिनकी पुष्टि होनी है कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो लगभग 400 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनको आना है। तो अब उनके आने के बाद ये आंकड़ा क्या कहता है, कितने उसमें नेगेटिव आते हैं, क्या उसमें पॉजिटिव आते हैं, ये देखना होगा। वरुण सिंह मेरे साथ हैं, भीलवाड़ा में क्या हाल है? सबसे ज़्यादा बुरे हालात तो भीलवाड़ा में ही हैं सर, जयपुर के बाद। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, 12 बजे बुलेटिन की शुरुआत होगी, कोशिश ये होगी कि न्यूज एट 12 में आपको देश प्रदेश की जो अपडेट है कोरोना को लेकर वो हर एक अपडेट आप तक पहुँचाई जाए। फिलहाल अपडेट यही है कि 4000 प्लस पूरे देश में मामले सामने आ गए हैं, प्रदेश में 274 मामले हो गए, यानी राजस्थान में 274 केसेस सामने आ गए हैं। हालांकि इसमें कुछ जमाती भी शामिल हैं, इसमें कुछ जो ईरान से लोग आए थे वो भी शामिल हैं, तो टोटल मिला के आंकड़ा 274-73 के आसपास पहुंच चुका है। देश में टोटल अगर हम बात करें तो 109 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोशिश करिए कि आप लोग पूरी तरीके से
सरकार की एडवाइजरी को फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखें, मास्क पहने, ये भी बहुत जरूरी है कि मास्क पहने। आप ये ना सोचें कि मुझे खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है तो मैं क्यों पहनूं, अपनी सेफ्टी के लिए इसको जरूर पहनिए। कोशिश करिए कि हैंड वॉश आप बार बार करें, सैनिटाइज करते रहें। तो छोटी छोटी सी जो सावधानियां हैं ये इस वक्त हमें अपनाना बहुत जरूरी है, इसको बोझ न समझें, जिम्मेदारी समझते हुए ये सभी चीजें आप फॉलो करें। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे 12 बजे, नमस्कार।